नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, महाभारत के सभी पात्रों का इतिहास बहुत ही रोचक रहा है। महाभारत में पांडवों और कौरवों के साथ साथ द्रौपदी भी मुख्य पात्रों में से एक थी। कई विद्वानों का मानना है कि महाभारत के युद्ध का महत्वपूर्ण कारण द्रौपदी ही थी। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों ने कौरव के साथ महाभारत का युद्ध किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आज भी कई गाँव में द्रौपदी को काली का अवतार माना जाता है, क्योंकि द्रौपदी का जन्म हवन कुंड से हुआ था। इसीलिए भारत के कुछ गाँव में आज भी द्रौपदी की देवी समान पूजा की जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं द्रौपदी के जीवन से जुड़े कुछ रहस्य। दोस्तों, महाभारत में बताया गया है कि पांचाल देश के राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ करवाया था। इसी यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से द्रौपदी प्रकट हुई थी। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण ही द्रौपदी को यज्ञ सेनी भी कहा जाता है। पांचाल देश की राजकुमारी होने के कारण द्रौपदी पांचाली भी कहलाई। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी और पांडवों की पत्नी थी। कौरवों द्वारा आयोजित किए गए जुए के खेल में द्रौपदी को दाव पर लगाया गया। पांडव दाव हार गए और उसके बाद दुशासन ने उसे भरी सभा में अपमानित किया। द्रौपदी के चरित्र के ये वो पहलू हैं जिनके बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते नहीं हैं कि द्रौपदी का किरदार बहुत ही आदर्श है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान स्त्री रही होंगी। जब भी पांडव कमजोर पड़े या उन्हें कोई निर्णय लेने में संकोच हुआ, द्रौपदी ने हमेशा एक पत्नी का कर्तव्य निभाया। वो ये बखूबी जानती थी कि उसे कब, कितना और कहां बोलना है। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की कहानी तो आप सभी जानते हैं। द्रौपदी पांच पांडव की पत्नी थी, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि द्रौपदी पांच पांडवों से प्रेम कैसे करती थी? क्या पांचों पांडव के बीच द्रौपदी को लेकर कोई नियम था? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये खास वीडियो। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी हुई ये कथा उस समय की है जब धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में राज्य पाकर पांडु धर्मराज युधिष्ठर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे थे। पांडवों के सेवा भाव से इंद्रप्रस्थ की प्रजा भी काफी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी। पर एक दिन अचानक सभी पांडव भाई राज्यसभा में बैठे थे। उस वक्त बाहर नारद मुनि आते हैं। देवऋषि नारद को अपने सामने देखकर धर्मराज युधिष्ठर सहित सभी पांडव खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हैं और उन्हें अपना आसन बैठने के लिए देते हैं। दोस्तों, नारद मुनि के आसन पर बैठने के बाद सभी पांडव भाई अपनी अपनी पूरी श्रद्धा से उनका आदर सत्कार करते हैं। पांडवों की सेवा भाव को देखकर देवऋषि नारद मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी वहां द्रौपदी आती हैं और नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर चली जाती हैं। दोस्तों, द्रौपदी के जाने के बाद नारद मुनि पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए धर्मराज युधिष्ठर और बाकी भाइयों से कहते हैं कि द्रौपदी तुम सभी भाइयों की पत्नी हैं, इसीलिए तुम लोगों को ऐसा नियम बना लेना चाहिए ताकि भविष्य में तुम्हारे बीच आपस में कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि स्त्रियों के पीछे किए गए झगड़े कई बार भाइयों की मौत का कारण भी बन जाते हैं। नारद मुनि की बातें सुनकर पांचों भाई सन्न रह जाते हैं और फिर थोड़ा रुक कर धर्मराज युधिष्ठर नारद मुनि से कहते हैं कि प्रभु, हम पांचों भाइयों में आज तक कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए शायद हमें ऐसे कोई नियम को बनाने की जरूरत नहीं है। तब दोस्तों, नारद मुनि युधिष्ठर को समझाते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम पांचों भाइयों में बहुत प्रेम है और इसमें कोई दो राय भी नहीं। जितना प्रेम तुम भाइयों में है, उतना प्रेम तीनों लोकों में अन्य किसी भाई में होगा भी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें ये भी स्पष्ट बता दूं कि नियति को कोई नहीं जानता, इसीलिए ऐसी कब क्या जरूरत आन पड़े और तुम्हारे बीच द्रौपदी को लेकर विवाद हो जाए, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम खुद निश्चय कर लेना कि क्या तुम्हें ऐसा कोई नियम बनाना है या नहीं। दोस्तों, इसके बाद देव ऋषि नारद मुनि पांचों पांडव भाइयों को सुंद और उपसुंद की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नारद मुनि जिस सुंद और उपसुंद की कहानी पांडवों को सुनाते हैं, उसका वर्णन महाभारत आदि पर्व में राजा वल्लभ पर्व में वर्णित है।
जिसके मुताबिक प्राचीन समय में सुंद और उपसुंद नाम के दो पराक्रमी भाई थे। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रेम था। उनकी मति सदा एक ही रहती थी। दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक दिन दोनों के मन में तीनों लोकों को जीतने की इच्छा प्रकट हुई। इसके बाद वो दोनों भाई ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने लगे। दोस्तों, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, जिसके बाद दोनों भाइयों ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वर मांगा। तब ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि यह अधिकार तो सिर्फ देवताओं को है, तुम कुछ और मांग लो। तब दोनों भाइयों ने बहुत ही चलाकी से भगवान ब्रह्मा से कहा कि हम दोनों को एक ऐसा वर दीजिए कि हम सिर्फ एक दूसरे के द्वारा ही मारे जाने पर मरे। तब भगवान ब्रह्मा अपने कहे मुताबिक दोनों को वरदान दे देते हैं। वरदान मिलने के बाद दोनों भाई तीनों लोकों में हाहाकार मचा देते हैं। उन दोनों दैत्य भाइयों ने इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया, जिसकी वजह से परेशान होकर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास आ गए। दोस्तों, तब ब्रह्मा जी ने उनका वध करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। भगवान विश्वकर्मा के आने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक ऐसी सुंदर स्त्री की रचना करने को कहा जिसे देखकर हर प्राणी मोहित हो जाए। तब दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के कहने पर एक दिव्य सुंदरी को बनाया। उस सुंदरी के शरीर के अंग सोने की भांति चमक रहे थे। उसके लंबे लंबे बाल, नैन नक्श किसी को भी मोहित कर सकते थे। भगवान ब्रह्मा ने उस सुंदरी को तिलोत्तमा नाम दिया और उससे कहा कि देवी, तुम्हारी रचना सुंद और उपसुंद दोनों भाइयों के वध के लिए की गई है। तुम्हें उनके पास जाकर अपने रूप से उन्हें मोहित करना है। तुम्हें देखने के बाद उन्हें और कोई दिखाई न दे। तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना है। तब दोस्तों, तिलोत्तमा भगवान ब्रह्मा से विदा लेकर अपना कार्य पूरा करने के लिए निकल पड़ी। इधर सुंद और उपसुंद दोनों भाई एक पर्वत पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी उस पर्वत पर पहुंचकर तिलोत्तमा कनेर के फूल तोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही तिलोत्तमा दोनों भाइयों के सामने पहुंची, वो उस पर मोहित हो गए और दोनों उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए मचल उठे। जहाँ सुंद तिलोत्तमा को पत्नी बनाना चाहता था, वहीं उपसुंद भी उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए उतावला हो रहा था। तिलोत्तमा को पाने के लिए अब दोनों भाई आपस में बहस करने लगे। धीरे धीरे इनकी लड़ाई बहस में बदल गई। दोनों ही एक दूसरे पर अस्त्रों से प्रहार करने लगे और दोस्तों, अंत में दोनों एक दूसरे से स्त्री की वजह से लड़ते हुए मारे गए। इस प्रकार एक स्त्री ने दोनों भाइयों को आपस में लड़ाकर मार डाला। दोस्तों, नारद मुनि जी युधिष्ठिर से कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, आप पांच भाई हैं और रानी द्रौपदी आप पांचों भाइयों की पत्नी। ऐसे में यह संभव है कि एक स्त्री आप भाइयों में युद्ध करवा सकती है। इसीलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग रानी द्रौपदी के साथ रहने का नियम बांध लें। जो इस नियम का उल्लंघन करे, उसे 12 बरस का वनवास दंड स्वरूप दिया जाए, जिससे अब भाइयों में एक स्त्री की वजह से कभी भी कोई लड़ाई नहीं होगी। दोस्तों, इतना कहने के बाद नारद जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद पांचों पांडव उनकी सलाह को मानते हुए द्रौपदी के साथ रहने का नियम बना लेते हैं। द्रौपदी के साथ कैसे रहना है, इसका नियम धर्मराज युधिष्ठिर बनाते हैं, जिसके मुताबिक द्रौपदी हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेंगी। यानी द्रौपदी एक साल तक केवल एक पांडव की पत्नी बनकर रहेंगी और जिस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ होगी, उस वक्त उनके कमरे में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई पांडव गलती से भी इस नियम को तोड़ता है तो उसे सजा के तौर पर 12 वर्ष के लिए वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भोगना होगा। पर दोस्तों, नियति का खेल कुछ और ही था। एक दिन अर्जुन ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर के बनाए इस नियम को तोड़ देते हैं। दरअसल एक दिन की बात है, कुछ लुटेरों ने किसी ब्राह्मण की गाय को लूट लिया और उसे ले जाकर भगाने लगे। वो ब्राह्मण दुखी होकर पांडवों के महल की तरफ भागते हुए जाता है। उस वक्त महल के बाहर अर्जुन टहल रहे थे। अर्जुन को देखकर ब्राह्मण रोते हुए कहने लगता है कि हे पांडव, तुम्हारे राज्य में मेरी गाय छीन ली गई। अगर तुम अपने राज्य की रक्षा सही तरीके से नहीं कर सकते हो तो तुम निसंद पापी हो। ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन अर्जुन के सामने एक समस्या थी। दरअसल जिस कमरे में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे, उसी कमरे में अर्जुन के अस्त्र और शस्त्र रखे हुए थे। अर्जुन अब सोच में पड़ जाते हैं कि वो युधिष्ठिर द्वारा बनाए हुए नियम का पालन करें या फिर ब्राह्मण की मदद करें। अंत में अर्जुन फैसला लेते हैं कि उन्हें ब्राह्मण की मदद करनी चाहिए।
तो चाहे उन्हें उसका प्रायश्चित ही क्यों ना करना पड़े। उसके बाद अर्जुन बिना समय गवाए सीधे द्रौपदी के कमरे में प्रवेश कर गए और फिर युधिष्ठर से अनुमति लेकर धनुष बाण उठाया और ब्राह्मण की मदद के लिए निकल पड़े। अर्जुन ने जाकर अपने धनुष और बाण से लुटेरों को मार गिराया और गाय को ब्राह्मण के पास ले जाकर उसे दे दिया। ब्राह्मण ने उसे बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद दिया और वहां से अपनी गाय को लेकर चला गया। दोस्तों, ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन युधिष्ठिर के पास गए और उनसे कहा कि मैंने आपकी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, इसीलिए मुझे वनवास जाने की आज्ञा दे। युधिष्ठिर को ये पता था कि अर्जुन ने ब्राह्मण की मदद के लिए उनकी प्रतिज्ञा तोड़ी है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम मुझसे छोटे हो और छोटे भाई यदि अपनी स्त्री के साथ एकांत में बैठे हो तो बड़े भाई के द्वारा उनका एकांत भंग करना अपराध है, लेकिन जब छोटा भाई यदि बड़े भाई का एकांत भंग करे तो वो क्षमा का पात्र है। इस पर अर्जुन युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप ही तो कहते हैं धर्म पालन में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए आप मुझे वनवास जाने की आज्ञा दें। अर्जुन की बात सुनकर युधिष्ठिर अर्जुन को वनवास जाने की आज्ञा दे देते हैं, जिसके बाद अर्जुन वनवास जाने को निकल पड़े। तो दोस्तों, शायद अब आपको पता लग गया होगा कि द्रौपदी 5 पांडवों के साथ कैसे रहती थी, कैसे समय बिताती थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।